तो भेजिए, मजे के लिए थोड़ी भेजिए, देखने के लिए। जितनी जल्दी हो सके कर देना, ठीक है। एक या दो आज कर लेना, तीसरी कल कर लेना, ठीक है। जिस पे टाइम नहीं है, जो बाकी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, ठीक है, तो एक कर देना, बाकी दो कल कर लेना, अपने आप अपने हिसाब से, ठीक है। मैनेज करना है तुम्हें, इतने बड़े तो हो ही गए। अब ये भी नहीं है कि मैं बताऊं तुम्हें कितनी देर करनी है, वो क्या करना है, खुद करना है। अब देखो, सबसे पहले कम से कम सबकी एक तो डीपीपी आ जानी चाहिए, कम से कम। जिसने तीनों भेज दी, वाह वाह हो जाएगी उसकी, ठीक है। और अगर उसकी डीपीपी बहुत साफ सुथरी हुई तो मैं उसको ग्रुप में भी शेयर करूंगा, समझ रहे हो। तो मिक्सड एनालिसिस का बहुत इंटरेस्टिंग खेला है यहाँ पर, बहुत इंटरेस्टिंग खेला, ध्यान से देखना। ये इंटरेस्टिंग खेला क्या कह रहा है, तुम्हें पता है एल्कली मेटल्स का नाम सुना कभी? एल्कली मेटल्स, जल्दी बोलो, क्या तुमने एल्कली मेटल्स का नाम सुना है? कौन होते हैं वो? ग्रुप वन वाले, ठीक है। कौन? एल्कली मेटल्स की बात कर रहा हूँ मैं, एल्कली मेटल्स वो कौन होता है? ग्रुप वन वाले। कौन कौन आता है इसके अंदर? कौन कौन आता है बोलो बोलो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। जिसको याद भी नहीं है टेंशन ना लो, जब पीरियोडिक कराऊंगा रट्टा मरवा दूंगा, अच्छा ऐसा रट्टा मारेंगे भूलेंगे नहीं, ठीक है। इनके नाम याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बता दो, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप टू वाले सबको पता है, बोलो आया ना। ग्रुप टू कौन कौन? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम। सबको याद है? नहीं भी याद, मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे कि तुम्हें सारे याद हो या ना हो, मुझे टेंशन ही नहीं, मुझे कुछ यूज नहीं करना इनका। लिख दिए ताकि एक बार रिवाइज हो जाए जिसको आते हैं, ठीक है। एक बार लिखने से कुछ नहीं जा रहा, मुझे चाहिए नहीं कि याद हो तुम्हें, ठीक है। मेरा मेन मोटिव इसमें कुछ और है, ठीक है। तुमने इनके कार्बोनेट्स के बारे में सुने? कार्बोनेट्स, ठीक है। इनके कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स क्या होता है? ठीक है, कार्बोनेट्स होता है CO3-2-, ठीक है। कार्बोनेट्स होता है CO3-2-। हम देखते हैं ना वो, हम बोलते हैं पीओपी, पीओपी वगैरह, याद है? हम बोलते थे कैल्शियम लाइमस्टोन, ठीक है, लाइम वाटर, ये सब सुना होगा तुमने, ठीक है। मुझे टेंशन नहीं है, सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो आज सुन लिया पहली बार, ठीक है। मुझे उनका लेना देना नहीं है, बात पते की क्या है वो देखो। ये देखो, ये दो बिरादरी है, एक ग्रुप वन है, ग्रुप टू है। ध्यान समझना, ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से समझना। ये दो बिरादरी है, ठीक है। जैसे हमारे में होती है ना, जैसे कोई पुराना फैमिली है, ठीक है, कोई मान लो अत्रेजा फैमिली है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, कोई सहगल फैमिली है, ठीक है, कोई यादव फैमिली है, अलग अलग फैमिलीज होती है, बोलो आया ना, होती है, सारी अलग अलग फैमिलीज है। तो हम ये मान के चलते हैं ना, उनकी फैमिली में सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, बोलो आया ना। हम बोलते हैं उन सबकी प्रॉपर्टी सेम होगी, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अगर उन सबकी प्रॉपर्टी सेम है तो हम क्या सोचते हैं कि उनकी रिएक्शन भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि भाई ये पंजाबी बहुत ही, ठीक है, मजेदार से शादी करते हैं, सुनते हैं ना कि भाई उनकी ढोल पूरा ऐसे ऐसे, और साउथ में चले जाओ बहुत ही शांति से होती है, मतलब हमारे माइंड में पूरी प्रॉपर्टी होती है उनकी, होती है, बोलो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ग्रुप वन है और ग्रुप टू है। अब देखा, बहुत इंटरेस्टिंग खेला होगा। इंटरेस्टिंग खेला क्या है, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल के जो कार्बोनेट है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, कार्बोनेट है, उनमें क्या होता है, ध्यान से समझना। जब मैं उनको हीट करता हूँ ना, हीट करता हूँ, वो डीकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बेचारे अपनी जान दे देते हैं, टूट जाते हैं, समझ रहे हो, मतलब जान क्या मतलब है, टूट रहे हैं। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल है, कार्बोनेट को हीट करता हूँ तो मुझे उसका मिलता है मेटल ऑक्साइड और साथ में CO2 मिलता है, बोलो, समझ रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने, एग्जाम्पल अगर मैं लिखना चाहूँ, CaCO3O क्या देता है मुझे हीट करने पर? CaO+CO2, बोलो आया ना, ठीक है। मैं बहुत बार ये रिएक्शंस करवा चुका हूँ, आज इनका थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ क्योंकि काम आएगा, ठीक है। ऐसे ही मैग्नीशियम का लिखना चाहूँ तो मैग्नीशियम का भी लिख सकता हूँ, ठीक है। सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो सब ऐसे ही टूटेंगे, बोलो, समझ रहे हो, बोलो, समझ रहे हो। लेकिन इंटरेस्टिंग खेला क्या, ध्यान सुनो, सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो। तुमने जलियांवाला बाग सीन सुना हुआ है? जलियांवाला बाग सुना हुआ है? जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, ठीक है, जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने क्या कहा था, हम उनके हाथ में नहीं आएंगे, हम अपनी जान दे देंगे, ठीक है, सुना हुआ है, हम कुएं में कूद जाएंगे, था हुआ था। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग खेला क्या है, इंटरेस्टिंग खेला देखना, जो एल्कलाइन मेटल है ना, एल्कली मेटल्स के जो कार्बोनेट्स है, ध्यान समझना, बहुत इंटरेस्टिंग वाली है। एल्कली मेटल के जो कार्बोनेट्स हैं उनको जब मैं हीट करूंगा, मुझे बताओ, डीकम्पोज वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? सॉलिड्स के लिए, मतलब सॉलिड डीकम्पोज हो गया, हम लिक्विड में डीकम्पोज करते ही नहीं है,
सॉलिड ही हीट करने में डीकम्पोज होता है, मतलब वो टूटता है, समझ रहे हो, हमारा सॉलिड ही डीकम्पोज होते हैं हीट करने पर, ठीक है, वो फर्दर टूट जाते हैं, जैसे एग्जांपल ये है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से सुनना, एल्केन मेटल्स को जब मैं हीट करता हूँ ना, वो डीकम्पोज ही नहीं होते, वो डीकम्पोज ही नहीं होते। अब आंसर रीजन है क्यों नहीं होते, ध्यान समझना, बहुत इंटरेस्टिंग खेल है। मान लो ये मेरा एल्केन मेटल का कार्बोनेट है, क्या है ये एल्केन मेटल का कार्बोनेट, इसको मैं हीट कर रहा हूँ, इसको मैं नीचे से हीट कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको हीट करूंगा तो मुझे बताओ, अगर मेरा उतना टेम्परेचर आ गया जितने पे डीकम्पोज होता है, डीकम्पोज हो जाएगा, बोला आया ना, उतने पे डीकम्पोज हो जाएगा, ठीक है, अगर उतना टेम्परेचर, अब होगा क्या, ध्यान सुनो, होगा क्या, इसके टेम्परेचर मान लो, इसका मान लो कि कभी डीकम्पोज होगा मुझे पता नहीं, मान लो 1500 पर होने, और मैं तुम्हें बता रहा हूं ये 1000 पर जाके ना मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, पानी पानी हो जाएगा, मतलब पिघल गया, मुझे बताओ क्या वो 1500 तक पहुंच पाएगा, क्योंकि 1000 पे वो पानी पानी हो गया, मेल्ट हो गया, तो डीकम्पोज काहे का होगा, समझ रहे हो, मतलब डीकम्पोज होने के लिए मान लो उसको 1500 तक जाना था, लेकिन 1500 से पहले उसने अपने आप को, ठीक है, मेल्ट कर दिया, अगर उसने मेल्ट कर दिया डीकम्पोज कहां से होगा, वो तो भाई मेल्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, मतलब सॉलिड तो रहेगा नहीं प्रॉपर, तो इसका मतलब क्या हो गया, वाह उसके बाद वो डीकम्पोज नहीं हो पाएगा। बेटा जनरल बता रहा हूं कि डीकम्पोज हम हमेशा जो कार्बोनेट होते हैं वो सॉलिड में होते हैं, ठीक है, अब समझना इंटरेस्टिंग क्या है, एल्कली मेटल से कार्बोनेट डीकम्पोज होते नहीं। तुम्हारे मुद्दे की बात तो ये है कि अगर मैं बोलूं एल्कली मेटल का कोई कार्बोनेट है हीट कर रहा, तो आंसर है कुछ भी नहीं होगा, डीकम्पोज ही नहीं होगा, वो कुछ होगा ही नहीं, समझ रहे हो। अब इंटरेस्टिंग खेला क्या है, हर एक ग्रुप में गद्दार होता है, सुना है, हर एक ग्रुप में गद्दार होता है, ठीक है, ध्यान से समझना, हर एक, बेटा मैंने तो 1500 ऐसे बोल दिया, अरे ठाकुर दास यार नंबर पर क्यों जा रहे हो, ऐसे बोल दिया मैंने, ठीक है, मेन मोटिव तुम्हारा ये है कि वो हीट करने पर डीकम्पोज नहीं होता, बस इतना समझो। अब समझो हर एक ग्रुप में हमारा गद्दार होता है, गद्दार क्या करेगा, इनमें भी एक गद्दार है, इनमें जो मेरे कार्बोनेट्स है ना, इनमें गद्दार होता है, और वो गद्दार होता है अपना लिथियम, जो लिथियम कार्बोनेट होता है ना, लिथियम कार्बोनेट, ध्यान से समझना, लिथियम कार्बोनेट का बगल में चक्कर चल रहा होता है, मतलब लिथियम जो होता है वो कुछ प्रॉपर्टीज बगल वाले की तरह दिखाता है, और मुझे बताओ ग्रुप वन का बगल वाला कौन है, ग्रुप टू है या नहीं, बोलो ग्रुप वन का बगल वाला ग्रुप टू, मतलब वहां पर उसका चक्कर चल रहा है, मतलब वो अपनी फैमिली के साथ नहीं चलता, वो पड़ोस के साथ चलता है, समझ रहे हो, मतलब उसका जो रिजेम्बलेंस है वो ग्रुप टू के साथ है ग्रुप वन का, लेकिन कई कई जगह पर वो ग्रुप टू के ज्यादा शो करता है, मतलब उसका वहां पर, ठीक है, कुछ ना कुछ चक्कर है, मतलब वो अपने ग्रुप के जैसा नहीं है, वो साथ वाले ग्रुप के जैसा है, बोलो समझ गए। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्सेप्ट Li2CO3 बाकी सब डीकम्पोज नहीं होते, बोलो समझ रहे हो, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ Li2CO3 को जब मैं हीट करूंगा मुझे क्या मिलेगा, Li2O+CO2, लेकिन बाकी किसी को भी हीट करूंगा, बाकी इनमें से किसी को भी ले लूंगा, उसके कार्बोनेट को अगर मैं हीट करूंगा वो डीकम्पोज नहीं होने वाला। बोलो सबको बात समझ आ गई, ठीक है, नोट कर लिया सबने, जल्दी करो भाई नोट। अब बात तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा, सर फिजिकल केमिस्ट्री में ये क्यों पढ़ाने लग गए, इसका बहुत बड़ा भी खेला खेला जाएगा, वो खेला समझने के लिए बेसिक्स पता होने चाहिए, समझ रहे हो, वो खेला पता होने के लिए बेसिक्स पता होने चाहिए, बोलो समझ रहे हो, फटाफट नोट करो। बेटा कई बच्चों का मुझे नाम पता भी नहीं है, क्योंकि भाई वो यहाँ इंटरेक्ट नहीं करते, तो भाई अपने आप को थोड़ा सा, ठीक है, एक प्रॉपर तुम्हें क्या होना चाहिए, अपने आप को आगे लाने का मौका ढूंढना चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई आराम से बस वहां बैठे हुए, मुझे पता ही नहीं क्लास में कौन कौन है। बेटा लाइफ में तुम्हें अपने आप को रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए, ये नहीं है कि बस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, चाहे तुम सब पढ़ रहे हो, चाहे तुम्हें सब आता है, लेकिन जब तक मेरे साथ इंटरेक्ट ही नहीं करोगे मुझे कैसे पता तुम्हें सब आता है, क्या वो तुम्हें कोई डाउट ही ना आ रहा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, लेकिन मेरे को कैसे पता चलेगा भाई तुम्हारे पास डाउट नहीं आ रहा, तुम मुझे एक बार
मैसेज करो या कुछ अपना नाम बताओ ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि तुम बच्चा अच्छा कर रहे हो। अब पता चले भाई उसको सब आता है, लेकिन भाई वो उसने मेरे साथ कभी मैसेज ही नहीं किया, तो मुझे कैसे पता भाई उसको सब आता है। मेरे से कोई आके पूछेगा मैं तो कहूंगा भाई मैं तो जानता भी नहीं, समझ रहे हो। तो अपने आप को थोड़ा आगे लाने का लाने की कोशिश क्या करो ताकि तुम इंटरेक्ट भी कर पाओ, समझ रहे हो, सारे टीचर्स के साथ। क्लियर है, बताओ। अब मेन मुद्दा क्या है, एक और चीज समझना, एक रिएक्शन मैं तुम्हें पहले भी लिखवा रखी है। कभी भी अगर मेरा सोडियम बाइकार्बोनेट है, क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट, बेटा अभी तो बताया निष्ठा, बेटा अभी तो बताया है एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट डीकम्पोज नहीं होते, एल्कलाइन अर्थ मेटल के डीकम्पोज होते हैं, अब यही तो बात लिखवाई है। देखो NaCl3 को अगर मैं हीट करता हूँ, ठीक है, अगर ये डीकम्पोज होता है तो ये किसमें डीकम्पोज होता है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मैंने कल भी शायद लिखवाई थी, ये यूज होती रहती है, एग्जामिनर हो सकता है ये रिएक्शन तुम्हें ना दे, तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि अगर ये डीकम्पोज होगा तो इसमें डीकम्पोज होता है, ठीक है। तो दो रिएक्शन है तुम्हें याद होनी चाहिए, एक कार्बोनेट की, इसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट, तो ये मेरा क्या हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और मेरा Na2CO3 क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, बोलो समझ रहे हो सब, बोलो समझ रहे हो, बोलो। अब सोचो, दिमाग के पुर्जे खोलो कि मैं क्या बताने जा रहा हूं, कि मैंने जो अभी तक पढ़ाया है उसका यूज क्या है, उसको हमें समझना है। अब देखो, मान लो ये मेरा एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर मैंने डाल दिया Na2CO3 और डाल दिया MgCO3, इसको मैंने नीचे से हीट करने लग गया, क्या करने लग गया मैं इसको हीट, ओपन कंटेनर है, ठीक है, ये ओपन है, जब मैं उसको हीट करूंगा, मुझे बताओ इस कंटेनर में क्या क्या बचेगा, इस कंटेनर में क्या क्या बचेगा। बहुत बढ़िया अधिराज, और कोई बता सकते हैं और क्या बचेगा इस कंटेनर में, बहुत बढ़िया, सब सीख गए, मुझे बताओ यार, एक बात बताओ, Na2CO3 क्या टूटता है, क्या वो हीट करने में डीकम्पोज होता है, वो तो मरो रहता है, वो तो पड़ा रहता है, वो तो डांस करता है, वो पढ़ता रहेगा, अंदर ही पड़ा रहेगा, मतलब यहाँ पर Na2CO3 तो पड़ा ही रहेगा, उसको भाई और कुछ आता ही नहीं, वो कहता है भाई मैं तो पढ़ा रहूंगा, अधमरा पढ़ा रहूंगा, लेकिन पढ़ा रहूंगा, समझ रहे हो, लेकिन MgCO3 हीट करने में डीकम्पोज हो जाता है, अगर वो डीकम्पोज होगा तो क्या क्या देगा, एक तो क्या देगा MgO और क्या देगा CO2, लेकिन मुझे बताओ क्या CO2 यहीं बैठी रहेगी, क्या CO2 वेली यहीं बैठी रहेगी, वो तो फुर होके ऊपर निकल जाएगी, बोलो हाँ या ना, CO2 यहाँ तो बैठी नहीं रहेगी, वो तो बाहर निकल जाएगी, वो तो इधर उधर कहीं ना कहीं निकल जाएगी, बोलो, तो कंटेनर में तो बस यही बचेगा, बोलो हाँ या ना, बोलो। अब मुझे बताओ वेट हमेशा कंजर्व रहता है, बताओ वेट कंजर्व रहता है, बोलो बेटा MgO सॉलिड होता है, बेटा MgO सॉलिड होता है, सॉलिड उड़ता है क्या, कभी देखा कभी सॉलिड उड़ रहा है, तो मुझे बताओ सारा वेट जो लॉस हुआ वो किसकी वजह से हुआ, सारा वेट किसकी वजह से लॉस हुआ, CO2। तो कभी भी क्वेश्चन में अगर आ जाए कि मैंने एक ये मेरा एक सैंपल था उसको मैंने हीट किया, तो मेरा फाइनल सॉल्यूशन को मैंने तब तक हीट किया जब तक कॉन्स्टेंट वेट ना हो गया, तो उस लाइन का मतलब क्या है, सोचो मैं बोल रहा हूँ जब तक कॉन्स्टेंट वेट नहीं हो गया, उसका मतलब है जब तक सारा का सारा MgCO3 MgO में कन्वर्ट नहीं हो गया, क्योंकि CO2 निकलती रहेगी तब तक जब तक ये खत्म ना हो जाए, समझ रहे हो, बोलो क्लियर है ना, विठील ऐसे उल्टे क्वेश्चन ना बोलो, ठीक है, समझ रहे हो, बोलो, ठीक है, मतलब अगर एग्जामिनर बोल दे मैंने इसको हीट किया कॉन्स्टेंट मास तक, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर एग्जामिनर बोल दे ये मेरा सैंपल था उसको मैंने हीट किया कॉन्स्टेंट मास तक, उसका मतलब क्या है, मैंने तब तक हीट किया जब तक ये पूरा का पूरा ना टूट जाए, समझ रहे हो, मतलब ये पूरा का पूरा टूट के इसमें और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और CO2 दो भाई फुर होकर बाहर निकल जाएगी, बोलो क्लियर है सबको, बोलो, तो मैं इसको रेजिड्यू बोल सकता हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया रेजिड्यू, बोलो आया ना, बोलो क्लियर है बेटा, पढ़ा तो उसी में रहेगा ना, पिघल पुघल का टेंशन ना लो, बस हमारी बात आ रही है कि वो वहीं पढ़ा देगा, पिघलना या नहीं पिघला उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी,
उसको पिघलना पिघलना कुछ ना बोलो, बस समझो वो डिकम्पोज नहीं हो रहा, ठीक है। अभी मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, समझ गए, बोलो, नोट कर लिया बेटा। CO2 तो निकल गया, वो रेजिड्यू नहीं है, रेजिड्यू होता जो बच गया, CO2 तो गायब हो गया अगर ओपन कंटेनर है, ठीक है। जल्दी नोट करो, अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो। मेरे पास इसके अंदर क्या क्या है, MgCO3 और Na2CO3 है, 10 ग्राम, दोनों मिला के 10 ग्राम है, मुझे नहीं पता। जिनमें क्लोज्ड होगा तो भी पड़ा रहेगा CO2 भी, ओपन ही देते हैं वो, ठीक है। 10 ग्राम मेरा ये दोनों चीजें है, मुझे नहीं पता वो कितना है, वो कितना है, टोटल 10 ग्राम है, ठीक है। मैंने क्या किया, उसको मैंने हीट किया, क्या किया उसको हीट। अब मुझे गिवन क्या क्या है, ठीक है, मुझे गिवन है जो मेरी वॉल्यूम ऑफ CO2 निकली वो मुझे गिवन है, ठीक है, वो मुझे गिवन है 2.24 लीटर एट SGP। मेरा क्वेश्चन है अमाउंट ऑफ MgCO3 एंड Na2CO3 प्रेजेंट इनिशियली, समझ रहे हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे मैंने परसेंट प्योरिटी वाला कराया था। अब क्वेश्चन मेरा देखो, मुझे बताओ ये जो CO2 निकलेगी वो कहां से निकलेगी, मुझे बताओ जो ये CO2 निकलेगी वो कहां से निकलेगी, कौन निकालेगा, MgCO3, क्या Na2CO3 का कोई कंट्रीब्यूशन होगा इसमें, क्या Na2CO3 का कोई कंट्रीब्यूशन होगा इसमें, नहीं। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा MgCO3 टूटा होगा, उसने मुझे MgO दिया होगा और CO2 दिया होगा, बोला आया ना, ठीक है। अब मैं अगर तुम्हें बोलूं, ठीक है, अब मैं अगर तुम्हें बोलूं CO2 कितना है, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं CO2 है मेरा 2.24 लीटर, बोला आया ना, तो मैं ये पता कर सकता हूं कि वो कितने MgCO3 से आया होगा, सिंपल जैसे कलम कर रहे थे, ऑब्वियस ही बात है, मैंने उल्टी रिएक्शन चला के निकाल ली कहां से आया होगा, ठीक है। तो पहले मैं इसके मोल्स निकाल लेता हूं, कितने मोल्स हो जाएंगे इसके, एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.24 डिवाइड बाय 22.4 क्या बन जाएगा, 0.1, बोलो आया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये 0.1 मोल है, पहले रिएक्शन बैलेंस है ये देख लो, हाँ बैलेंस है, ठीक है, मेरा ये 0.1 मोल से आया होगा, बोलो आया ना, ठीक है, 0.1 मोल से अगर आया है तो 0.1 मोल का मास कितना होगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो आया ना, MgCO3 का मोलर मास कितना होता है, 84, तो आंसर क्या बन जाएगा, 8.4 ग्राम। तो मेरा इसका आंसर हो गया कि MgCO3 तो इतना है, मुझे बताओ Na2CO3 कितना होगा, टोटल कितना था, 10, ठीक है, 10 में से मैंने 8.4 माइनस कर दिया, 1.6 ग्राम आंसर आ गया, बोलो क्लियर है सबको, बोलो सबको क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था, मैंने बस ये बोल दिया कि जो CO2 आया है मुझे पता है वो सिर्फ और सिर्फ कौन दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ मुझे कौन दे रहा है बताओ, वो मुझे MgCO3 दे रहा है, तो मैंने MgCO3 की रिएक्शन लिख दी सिंपल, ठीक है, मैंने निकाल लिया इतनी CO2 कितने MgCO3 से आएगी, तो मुझे पता चल गया इस सैंपल में कितना MgCO3 था, उसके बाद Na2CO3 कितना होगा, 10 में से माइनस कर दिया, बोलो फंडा क्लियर है सबको, सबको क्लियर है फंडा, बोलो, तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन आते कर लोगे, बोलो, बढ़े आगे, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं,
एडिंग डाल लो, एडिंग डालो, कंसंट्रेशन टर्म्स, एडिंग डालो कंसंट्रेशन टर्म। ठीक है, तो अब अपने नए टॉपिक पर जा रहे हैं, कंसंट्रेशन टर्म। ध्यान से समझना, अगर मैं एक सॉल्यूशन की बात करता हूँ, किसकी सॉल्यूशन की मुझे बताओ, सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट होते हैं? दो होते हैं, बोलो कितने कंपोनेंट होते हैं? दो। अब मुझे बताओ उन दो कंपोनेंट्स का नाम क्या होता है? उन दोनों कंपोनेंट्स का नाम क्या होता है? एक होता है मेरा सॉल्यूट और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट। बोलो आया ना? ठीक है, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन है, मुझे बताओ सॉल्यूट कौन सा, सॉल्यूट को डिफाइन कैसे करोगे? सॉल्यूट को डिफाइन कैसे करोगे बताना, सॉल्यूट को डिफाइन कैसे करोगे? बोलो भाई सॉल्यूट को डिफाइन कैसे करोगे? देखते हैं, मेरे पे एक आंसर आया जो मिक्स हो, दूसरा आया है जो लेस अमाउंट में हो। ठीक है, तुम्हारा आंसर ही बता रहा हूं, ये तुमने बोला है, ये ऑडियंस पोल है, ये बच्चों की पोल है। ठीक है, जिसे डाला जाए, ठीक है, और आ रहा है जिसे डाला जाए, वो तो एक ही बात होगी, जिसे मिक्स हो, जो मिक्स हो वही बात होगी। चलो देखते हैं। ठीक है, अब मेरा तुम्हें मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने क्या लिया, 5 ग्राम NaCl लिया इन 100 ग्राम वॉटर। ठीक है, क्वेश्चन दे रहा हूं कुछ, मुझे आंसर दे रहा है इनको, इसमें सॉल्यूट कौन है? अगला मैंने लिया 100 ग्राम वॉटर इन 5 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम सॉरी 100 ग्राम NaCl इन 5 ग्राम वॉटर, अगला 5 ग्राम अल्कोहल इन 100 ग्राम वॉटर, अगला 5 ग्राम वॉटर इन 100 ग्राम अल्कोहल, अगला 50 ग्राम वॉटर इन 50 ग्राम अल्कोहल। तुम्हें मुझे आंसर देना सॉल्यूट कौन कौन है। बेटा मैं जब इधर देखता हूँ ना तो लिखा करो, सुनो मेरी बात, महान इंसान हो, जब मैं इधर लिख रहा हूँ तुम इधर टाइप क्यों करते रहते हो? जब मैं इधर देख रहा हूँ तो मैं देखूंगा कैसे इधर, एक बात बताओ, तो जब मैं देखूंगा इधर तो बताया करो ना आंसर, टाइम वेस्ट करते हो अपना। अब मैं देखने लगा हूं तो अब बोलो आंसर। ठीक है, तो सॉल्यूट बताना है तुम मुझे, तो मुझे बता दो सॉल्यूट पहले में कौन है, पहले में कौन है फ्रेंड बताओ, पहले में NaCl, बहुत बढ़िया, तो तुम्हारा पहले में सॉल्यूट है NaCl। अगले में मुझे दो आंसर मिल रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं NaCl, कुछ बच्चे बोल रहे हैं, जो तुम आंसर दे रहे हो तो मैं वो मार्क कर रहा हूं। अगले में थर्ड में सॉल्यूट कौन है? सॉल्यूट बच्चे बोल रहे हैं अल्कोहल। ठीक है, उससे अगले में, उससे तुम बोल रहे हो आंसर, मैं नहीं बोल रहा, ये उससे अगले में बताओ, इसमें कुछ बच्चे बोल रहे हैं वॉटर, कुछ बच्चे बोल रहे हैं अल्कोहल, लास्ट में कुछ बच्चे बोल रहे हैं वॉटर, कुछ बच्चे बोल रहे हैं अल्कोहल। तो मैंने यहाँ पर एक आंसर है जिसमें बच्चों ने मेजोरिटी वाला आंसर दिया, दो में, ठीक है, एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है जिसमें बच्चों ने बिल्कुल सबने 100% ने ऐसे आंसर दिए, वो है एक तो ये और एक है ये। ठीक है, बाकी में कुछ ने वो दिया, कुछ ने वो दिया, आइए देखते हैं। शिवांशी ऐसे ना बनाओ, ठीक है, ऐसे कंसेप्ट ना बनाओ भाई, रचित ऐसे कंसेप्ट ना बनाओ भाई, ध्यान से समझो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो सब, ठीक है, मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हें बोला सोल्यूट क्या और सोलवेंट क्या, आइए देखते हैं। सोल्यूट मेरी वो क्वांटिटी है जो लेस अमाउंट में है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये अधूरा सच है, सच है लेकिन अधूरा है। अधूरा कैसे है? मुझे इसके आगे एक और लाइन ऐड करनी है, वो ऐड क्या करनी है, वो ऐड ये करनी है कि बोथ कंपोनेंट शुड हैव
सेम फिजिकल स्टेट, क्या सेम फिजिकल स्टेट, मतलब मुझे बताओ क्या नमक और पानी की सेम फिजिकल स्टेट होती है, बोलो हाँ या ना, क्या नमक और पानी की सेम फिजिकल स्टेट है? नो, बिल्कुल नो, बिल्कुल नो, बिल्कुल नो, बिल्कुल नो, है ना। तो मतलब ये वाली बात मैं तभी लगाऊंगा जब दोनों की फिजिकल स्टेट सेम हो। अब मुझे बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ में कौन से क्वेश्चन में दोनों की फिजिकल स्टेट सेम है, कौन से क्वेश्चन में फिजिकल स्टेट दोनों की सेम है? थर्ड फोर्थ फिफ्थ ठीक है। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट लगा सकते हो तुम कि जो लेस अमाउंट में है वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा सोल्यूट। तो इसका मतलब यहाँ पर मेरा कौन कम है, एल्कोहल, तो ये सही आंसर हो गया। दूसरे में कम कौन है, कम है मेरा वॉटर, तो ये आंसर सही है, ये गलत हो गया, समझ लो। तीसरे में पानी और एल्कोहल भी सेम हो गए दोनों का अमाउंट सेम, तो आंसर है यहाँ पर तुम चाहे वॉटर को सोल्यूट बोल लो चाहे एल्कोहल को बोल लो, यहाँ पर दोनों का अमाउंट सेम है तो हम किसी को भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तुम इसको बोलो चाहे इसको बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जनरली वॉटर को ले लेते हैं तो वॉटर को ले लो, बाकी अल्कोहल भी सही है, कोई गलती नहीं, समझ रहे हो, बोलो समझ रहे हो। अब आती है इन दोनों की बात, इन दोनों में कैसे देखूंगा, अगर मेरे, ठीक है, अगर मेरे बोथ कॉम्पोनेंट्स हैव डिफरेंट फिजिकल स्टेट, तो यहां पर मुझे किसका सहारा लेना है, मुझे सहारा लेना है फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन का, फाइनल फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। मुझे बताओ जब मैं पानी में नमक को मिलाता हूं तो मुझे फाइनली जो सॉल्यूशन होता है वो कैसा दिखता है, नमक जैसा पानी जैसा और पानी मतलब लिक्विड हो गया। तो यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा ये क्या होगा सॉल्यूट और ये क्या मेरा सॉल्वेंट, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया सॉल्वेंट, क्योंकि मुझे फाइनली पानी जैसा दिखता है सॉल्यूशन, ठीक है। अब मुझे बताओ जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा मुझे फाइनल सॉल्यूशन किसके जैसा दिखेगा, नमक जैसा पानी जैसा, बोलो। अब एक बात बताओ, चलो आधो का है NaCl जैसा, अब एक बात सुनना मैं सॉल्यूशन किसको बोलता हूँ जब दो चीजें आपस में मिक्स होती है, होती है नहीं होती, बोलो। मान लो मैंने 5 ml लिया पानी, ठीक है, 5 ml जितना भी लिया मैं 5 ml नीचे पानी पड़े, इसमें मैं जब नमक डालूंगा नमक मैं भर भर के डाल रहा हूँ, ठीक है, 5 के मुकाबले में 100 ग्राम तो बहुत ज्यादा है, सुन रहे हो, बहुत ज्यादा है। तो मुझे बताओ जब ये पूरा आएगा तो ये तो पूरा बिल्कुल ऐसे घेर लेगा, बोलो आया ना, घेर लेगा। अब मुझे बताओ कि ये जो नीचे पानी है, पानी जब नमक से मिलेगा तो ही सॉल्यूशन बनेगा, बोलो आया ना। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जब दोनों चीजें एक दूसरे में मिक्स हो, सॉल्यूशन तो वही होता है ना, सॉल्यूशन मतलब क्या, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो। मुझे बताओ क्या जो ऊपर वाला पानी है वो इसमें मिक्स हो रहा है, वो NaCl, सॉरी बताओ, क्या ऊपर वाला नमक पानी में मिक्स हो रहा है, कौन सा पानी में मिक्स हो रहा है? सिर्फ जो नीचे वाला होगा थोड़ा बहुत, इतना पार्ट जो होगा, इतना पार्ट मैं बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ जो ये नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट जो नीचे वाला है जो पानी के कॉन्टेक्ट में आ रहा होगा वही मिक्स हो रहा होगा, बोलो। ऊपर वाला तो मिक्स भी नहीं हो रहा होगा। तो मुझे बताओ जितना पार्ट मिक्स हो रहा है उसमें फाइनल स्टेट कैसा दिखता है, उसमें फाइनल स्टेट पानी जैसी होगी या नमक जैसी, जितना मिक्स हुआ है ऑब्वियसली बात है पानी जैसा, वहां गीला गीला हो जाता है, मतलब वो पानी की तरह दिखती है फाइनल स्टेट। तो मैं यहाँ पर भी क्या बोलूंगा, मेरा वॉटर ही क्या होगा, मेरा वॉटर होगा सॉल्वेंट और ये मेरा क्या होगा सॉल्यूट, बोला सबको जमा आ गया। देखो ऑब्वियसली बात है ये बचपनों वाली चीजें तुमसे नहीं पूछेगा, एग्जामिनर तुमसे नहीं पूछने वाला कि इसका सॉल्यूट पहचानो सॉल्वेंट, तुम्हें वो ठीक है IIT या AIIMS में भेज रहा है, ये टुच्ची चीजें नहीं पूछेगा। लेकिन टुच्ची चीजें ही क्लियर नहीं होगी तो बेस ही खराब हो जाएगा, समझ रहे हो। तो समझना होगा कि सॉल्यूट क्या और सॉल्वेंट क्या, समझ रहे हो। ऐसा भाई IIT का क्वेश्चन, उसने 4 नंबर का क्वेश्चन देना है, टुच्ची सी चीज पूछ के क्वेश्चन खराब नहीं करेगा। लेकिन जिसका ये कंसेप्ट क्लियर होगा उसका, ठीक है, लंटर जिसका मजबूत होगा उसका बढ़िया होगा, समझ रहे हो, बोलो बढ़िया। आगे बढ़ा जाए, बताओ बेटा, बस कुछ भी नहीं है, अगर दोनों की फिजिकल स्टेट सेम हो, दोबारा बोल रहा हूँ, अगर दोनों की फिजिकल स्टेट सेम हो
तो जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो सॉल्वेंट, जो कम में होगा वो सॉल्यूट। लेकिन अगर दोनों की फिजिकल स्टेट सेम नहीं है तो जो फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन होगी जिसके जैसी वो दिखेगी, ठीक है, जिसको वो रिजेंबल करेगी, जिसको हिंदी में लिख रहा हूं वो रिजेंबल करेगी, वो क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा वो सॉल्वेंट, बोलो समझ गए। हाँ बेटा नोट तो करना है, नोट तो सब करना है। मैं तो तुम्हें बोलता हूँ जो मैं इतने इंपॉर्टेंट वर्ड्स बोल रहा हूँ वो भी नोट करो। लेकिन मुझे अभी तक आज तक वैसे नोट्स नहीं मिले कि जो मेरी बातों को भी लिखता हो, मुझे बस वही मिलता है जो बोर्ड में लिखा होता है। मुझे इस बैच में अभी तक वो बच्चा नहीं मिला जो बच्चा हर एक बात को लिखता हो, मतलब मैं जो छोटे मोटे टेढ़े मेढ़े एग्जांपल्स भी देता हूँ वो भी लिखता हूँ। अभी तक मुझे इस बैच में नहीं मिला वो बच्चा। ठीक है, मैं एक गंदे गंदे से एग्जांपल देता हूँ लाइफ से रिलेट करके। जो बच्चा वो भी लिखता है ना, वो जब रीड करेगा उस नोट्स को, उसको जो मजे आएंगे ना, उसको पढ़ते हुए मजा आएगा, इंजॉय करेगा वो, जब वो छोटी छोटी कलाकारियां देखता है और उसको नींद नहीं आएगी। ये ऐसे में ये नहीं कि भाई टाइम पास के लिए कराता हूँ, तुम्हारा यहाँ पर भी अच्छे से समझ आता है और नोट्स पढ़ते टाइम भी इंटरेस्ट बना रहता है। ठीक है, वो तुम्हें बाद में समझ आएगी वो बात। मैं तुम्हें बहुत बार बोलता हूँ ये बात। बेटा मुझे मिले तो नहीं, शुभम बेटा भेजना मुझे, मैं देखना चाहूँ, मतलब जरूरी नहीं है, फोर्स नहीं कर रहा मैं, लेकिन मैं बस तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं वहीं जहाँ पर तुम जाना चाहते हो मैं वहीं से आया हूँ, तो मैं वही चीज बता रहा हूँ जिससे मुझे भी मजा आता था अपने टाइम में पढ़ने से। बड़े आगे बताओ, आगे बढ़े। ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं है कि तुमको सब कुछ लिखना है। कई बच्चों को समझ ही नहीं आता लिखते टाइम, कई बच्चे पहले समझते हैं फिर लिखते हैं, उन पे टाइम ही नहीं होता, तो ये सबके बस की नहीं होती। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं सब कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं कंपल्शन है, सबका अपना अपना माइंड होता है। मैं बस वो बता रहा हूं जिसने मुझे हेल्प की थी जिस बात में, जो बच्चों को पहले जब तक वो समझे ना वो लिख ही नहीं सकते, उनके लिए तो कोई टेंशन नहीं, उनको तो मैं कुछ कहूंगा भी। ठीक है, क्योंकि तुम्हें अपना देखना अपना माइंड कैसे, तुम सबका अपना अलग अलग माइंड होता है। ठीक है, उनके लिए क्या है, जिनके पास ऐसा है कि वो लिख भी सकते हो साथ साथ, ठीक है, वो अपना करें। अब मैं वापिस आता हूँ कंसंट्रेशन टर्म्स पर, ध्यान समझ। मुझे बताओ, मैं अगर मान लो नमक, मैं शिकंजी बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, शिकंजी, नींबू पानी, ये मेरा पानी है। ठीक है, ये मेरा पानी है। मान लो मेरे घर पे मेरी माता जी, मतलब मेरी मम्मा घर पर नहीं है, वो गए हुए मार्केट, मेरे पिताश्री ने बोला बेटा जा नींबू पानी बना के। मैंने कहा भाई नींबू पानी तो बोल दिया इन्होंने मुझे, लेकिन मैंने घर पे आज तक बनाया ही नहीं, पता है मुझे क्या क्या डालना है, मुझे थ्योरेटिकल पता है नमक और नींबू डालना है, चीनी डालनी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कितना कितना डालना है। तो मैंने बनाया, मैंने इसमें डाल दिया नमक, ठीक है, मैंने इसमें डाल दिया शुगर, और मैंने इसमें डाल दिया पानी तो थाई, और ठीक है ये दोनों चीजें डाल दी और नींबू डाल दिया। हुआ क्या, जब मैंने अपने घर पर पिताश्री को पकड़ाई, लो नींबू पानी पियो, इतना जबरदस्त बनाया है आप चौरसिया को भूल जाओगे, उसकी लेमन भूल जाओगे। उन्होंने जब पी, उनको जो कड़वाहट दिखी उसमें, मुंह ही पूरा कड़वा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इसमें नमक बहुत ज्यादा था। ठीक है, उन्होंने कहा ये क्या कड़वा ले आया, बिल्कुल बिल्कुल कड़वा है और इतना मीठा, कड़वा भी है मीठा भी, इतना रद्दी बना के आ गया। ठीक है, तो मतलब मैंने क्या बोला, मैंने नमक बहुत ज्यादा डाल दिया, मतलब यही बोला। फिर उन्होंने बोला कि दोबारा बना के आ, अब मैं डर गया, मैं गया पहले कड़वा हो गया, अब मैंने चुटकी इतना सा नमक डाला, इतना से चीनी डाली, इतना नमक डाला, मैंने उनको बोला अब लो अब सही बनाया, अब बहुत बढ़िया बनाया, अब मैंने तेज नहीं डाला। जब उन्होंने पिया, उन्होंने बोला भाई पानी और नींबू पानी में कुछ फर्क नहीं लग रहा, कि पानी और नींबू पानी में कुछ फर्क ही नहीं लग रहा, क्योंकि तूने नमक और चीनी इतनी थोड़ी सी डाली है कि भाई पता नहीं चला नींबू पानी। अब बात आई भाई ये तो बहुत कम हो गया, मतलब मैंने ये तो बोल दिया एक बार बहुत ज्यादा है एक बार बहुत कम है। अब सोचो अगर मेरे घर वालों ने मुझे बता दिया कि मैं, ध्यान सुनना, मुझे उस पानी में 2% चीनी चाहिए और 3% नमक चाहिए, और मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है कि मुझे इतना ही पसंद है, तो मतलब मैंने क्या कर दिया, उसको कंसंट्रेशन को डिफाइन कर दिया कि मुझे इसी वैल्यू में चाहिए, तो वहां से जन्म हुआ कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म्स का मतलब क्या है, कि मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालूंगा, ये नहीं कि बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, एग्जैक्ट कितनी है, उसी को हमने नाम दिया कंसंट्रेशन टर्म। समझ रहे हो, तो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या है, जो मुझे बताता है कि इसके अंदर इस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है। बोलो समझ रहे हो,
जनरली हम सोल्यूट के लिए बताएंगे क्योंकि हमारा जो सोलवेंट होगा उसमें तो हमने मिक्स करना, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, कंसंट्रेशन टर्म को मैं दो भाग में बांटूंगा, ठीक है, दो पार्ट्स में लेके आऊंगा। सबसे पहली है टेम्परेचर डिपेंडेंट, दूसरी है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब खुद सोचो, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ, सुनना मेरी बात सुनना, टेम्परेचर मैंने बढ़ा रहा हूँ, ध्यान समझना, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, कोई चीज ऐसी है जो टेम्परेचर बढ़ाने में या कम करने में चेंज होती हो? क्या कोई चीज ऐसी है जो टेम्परेचर के साथ चेंज होती हो? क्या चीज है बताओ? बहुत बढ़िया धीराज, वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं गैस टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो मैं फैल जाता हूँ, अगर टेम्परेचर कम कर जाता तो सिकुड़ जाता हूँ, सुना है ना? तो मेरी वॉल्यूम चेंज हो रही है, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो भाई मैं फैल गया, जब टेम्परेचर कम किया मैं सिकुड़ गया, तो मेरी वॉल्यूम क्या हो रही है? चेंज हो रही है, बोलो आया ना, ठीक है, वॉल्यूम चेंज हो रही है। अब ध्यान बेटा, मैं इतना भी टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा, मैं माइन्यूट कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे स्टेट चेंज नहीं करनी है। अब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, मतलब इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ जो वॉल्यूम पर डिपेंड होगी, बोलो आया ना, जो वॉल्यूम पर डिपेंडेंट होगी वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगी, बोलो आया ना, बोलो, समझ रहे हो? बोलो। और जो मेरी वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट होगी वो मेरी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी, बोलो आया ना, ठीक है। अब बात है टेम्परेचर पर कौन कौन सी टर्म डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पर कौन कौन डिपेंडेंट होगा? जिसके अंदर वॉल्यूम की टर्म आएगी, बोलो आया ना, जिसके अंदर वॉल्यूम की टर्म आएगी, ठीक है, वो मेरी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरी पहली टर्म है W by V percent, weight by volume percent, अभी पढ़ाऊंगा इनके बारे में, इसको बोलते कैसे हैं, weight by volume percent। अगला volume by volume percent, नाम भी सुन लो, आगे भी डिटेल में जाऊंगा, ठीक है। अगला molarity, उससे अगला normality। अब तुम कह रहे हो सर ये है क्या, ये इनके बारे में बताऊंगा, अभी तो बस नाम देख लो, अभी तो मैं इनका बस ठीक है मुंह दिखाई करा रहा हूँ, और कुछ भी नहीं। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में कौन आएगा, वेट बाय वेट परसेंट, जिसको मैं मास बाय मास परसेंट भी बोल सकता हूँ, तुम्हें बता रखा है मैंने कि वेट और मास में केमिस्ट्री में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और क्या हो सकता है, इसको मास बाय मास बोलो या वेट बाय वेट बोलो, और होता है मोलैरिटी, ये टोटल वर्जन है, टोटला वर्जन ऑफ मोलैरिटी इज मोलैरिटी, ठीक है, बस आर की जगह यहाँ पर एल आ गया। और क्या हो सकता है, मोल फ्रैक्शन, तो ये मेरी सारी टर्म्स क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, समझ रहे हो? बोलो, सब समझ गए, क्लियर है? इनके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे, अभी पीपीएम भी होती है बेटा, कराऊंगा, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पीपीएम में लिख दो, लिख दो पीपीएम में, लिख दो, कोई वो नहीं, ठीक है, पीपीएम में लिख दो, इसमें पीपीएम में लिख दो, कोई वो नहीं, पता तो होता क्या मतलब, ठीक है, नोट कर लिया तुमने बेटा, कुछ भी नहीं है, मैंने दो तरह से क्लासिफाई किया है, इसमें यही आता है, इसमें यही आता है, मतलब क्या है वो भी स्टार्ट करूंगा, अभी तो बस नाम लिखे मैंने, मिलवाऊंगा अभी, टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, अभी तो मिलवाने लेके नहीं गया, अभी तो नाम ही बताया, मीना रीना टीना, ठीक है, अभी तो नाम ही बताया, मिलवाया नहीं अभी। पीपीएम बेटा एक वो होती है पार्ट्स पर मिलियन, जिसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, वो भी एक कंसंट्रेशन टर्म। अरे यार बोल तो रहा हूँ, मैं बताता हूँ होता क्या, अभी नाम तो लिख लो, अभी से तुम्हें जानना भी है होता क्या है, सबर तो रखो, बता रहा हूँ, पहले तो भी क्लासिफाई किया बस बेटा, बस ये ध्यान रखो, टेम्परेचर चेंज करने में वॉल्यूम भी चेंज हो जाती है, बस इतना ध्यान रखो, नोट कर लिया बेटा, एक तरह से तुम्हारा चैप्टर खत्म होगा, पता भी नहीं चलेगा। अब पता मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मोल कंसेप्ट और रिडोक्स, रिडोक्स भी एक चैप्टर है, उसके बीच में एक कंसंट्रेशन टर्म्स है, कंसंट्रेशन टर्म तुम्हारी ब्रिज है, समझ रहे हो, ब्रिज, तुम बस अब जंक्शन पॉइंट पर आ गए हो, इस जंक्शन पॉइंट यही मुझे रिडोक्स में पहुंचा देगा, यही से मेरा चैप्टर भी स्टार्ट हो जाएगा अगला, ठीक है। तो रिडोक्स चैप्टर होता है एनसीईआरटी में, तो 7th चैप्टर है, ठीक है, 7th या 8th, लेकिन हमें उसको इकट्ठे ही पढ़ना है क्योंकि वो इसी से रिलेटेड होता है,
बेटा सोलवेंट की होती है बेटा, सोलवेंट खुश, सोलवेंट की बात हो रही है। तो मैं सबसे पहली कंसंट्रेशन ला रहा हूँ वेट बाय वेट परसेंट, या मैं इसको इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मास बाय मास परसेंट, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मास परसेंट, ऐसे भी लिखा होता है ठीक है, कैसे भी लिखा होता है जनरली तुम्हें ऐसे मिलेगा जनरली। ठीक है, अब ध्यान से समझना, बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपलीफाई करके बताऊंगा, लेकिन डेफिनेशन रट्टा नहीं मारनी, समझना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ हर चीज का समझना। ठीक है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो 100 ग्राम है सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूशन है, समझ रहे हो, 100 ग्राम सॉल्यूशन मैंने बनाया, उसमें मैंने 5 ग्राम NaCl डाला। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाया, उसमें मैंने 5 ग्राम NaCl डाला। अब मुझे बताओ कि मैंने 100 ग्राम में कितना NaCl डाला, 100 ग्राम में कितना NaCl डाला, 5, तो इसका वेट बाय वेट परसेंट हो गया 5, समझ रहे हो। एक और एग्जांपल देखो, मान लो मेरा, ठीक है, मान लो मेरा 200 ग्राम है सॉल्यूशन, ठीक है, इस 200 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर मेरा मान लो 5 ग्राम NaCl है, मुझे बताओ इसके अंदर 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना NaCl होगा, 100 ग्राम में, 100 ग्राम में बेटा, 100 ग्राम में 2.5, बोलो 2.5, समझ रहे हो, बोलो कैसे निकाला तुमने, कैसे निकाला, हाफ कर दिया, बोलो या मैं ऐसा भी कर सकता हूं 5/200 × 100, उससे भी क्या आएगा, यही आएगा, या हाफ कर दो चाहे वैसे कर लो, एक ही बात है। अब देखो इंटरेस्टिंग खेला गया, ये जो है ना, ये यही है जो तुमने अभी बताया, ये यही है जो तुमने बताया, ये है क्या अमाउंट ऑफ सोल्यूट सोल्यूट इन ग्राम, इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, जो मैं कैपिटल में लिख रहा हूं वो सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। मेरा कितना सॉल्यूट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, उसको हम क्या बोलते हैं, वेट बाय वेट परसेंट, बोलो समझ रहे हो, बोलो समझ रहे हो, बोलो समझ रहे हो। तो मेरा वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला क्या बन गया, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, समझ रहे हो, बोलो बोलो। ठीक है, एक फॉर्मूला है ये, और ये बहुत फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, क्या है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बना कैसे, कोई बता सकता है ये फॉर्मूला कैसे बना होगा, बेसिक चीज है, यूनिटरी मेथड। देखो अगर मैं बोलूं W ग्राम है, ठीक है, W सॉल्यूशन ग्राम है, सॉल्यूशन का वेट मेरा W है, ठीक है, उसके अंदर W सॉल्यूट ग्राम मेरा सॉल्यूट है, बोलो आयन, इतने सॉल्यूशन में मेरा इतना सॉल्यूट है, बोलो आयन, तो एक ग्राम में कितना होगा, एक ग्राम में W सॉल्यूट बाय W सॉल्यूशन, बोलो आयन, मुझे निकालना कितने में है, निकालना कितने में, निकालना कितने में, 100 में, तो 100 ग्राम में कितना हो जाएगा, 100 ग्राम में W सॉल्यूट बाय W सॉल्यूशन इनटू 100, बोलो समझ गए, ये फॉर्मूला यही है। ठीक है, बाकी तुम्हें जानना बस बता दिया, जरूरी नहीं है, मैंने बस बताया आया कहां से, नहीं भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमें यहां पर 100 ग्राम को फिक्स कर दिया है, क्या कर दिया फिक्स, 100 ग्राम, मतलब मुझे चेक करना है 100 ग्राम में, समझ लो, चाहे मैं यहां पर 2000 ग्राम भी ले लू, मुझे 100 ग्राम में बता दें, बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है, सबको क्लियर है। अगर मैं तुम्हें बोलू, अगर मैं तुम्हें बोलता हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं क्वेश्चन साइड में लिख रहा हूं, ठीक है, मैंने क्या लिया 20 ग्राम NaCl लिया इन 100 ग्राम वाटर, मुझे बताओ वेट बाय वेट परसेंट क्या होगा,
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी आंसर आ रहा है सबका। बहुत बढ़िया, तुम क्लास में इस टाइम पर कितने बच्चे बैठे हो? 120। और 120 में से मुझे 119 बच्चों ने आंसर दिया 20%, आंसर दिया 20%, जो कि बिल्कुल गलत है। जो कि क्या है? बिल्कुल गलत। अब मेरा पहले, हाँ अब दो बच्चों ने आंसर सही दे दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब ध्यान से समझो मेरी बात, देखो इधर देखो। अब तीन का अब दिमाग लग रहा है सबका, अब सबका दिमाग लग रहा है। देखो मेरा फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सोल्यूशन। मुझे बताओ वेट ऑफ सोल्यूट कितना है यहाँ? वेट ऑफ सोल्यूट कितना है? 20 है। बोलो वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है? वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन बेटा 120 है। 120 ये मैंने जो दिया है, 100 ग्राम वाटर मैंने जान के लिख दिया, मैंने जान के लिखा वाटर ताकि तुम गलती करो, मैं वही चाह रहा था और तुम सबने यही कर दी। मेरा वेट ऑफ सॉल्यूशन तो दोनों को ऐड करके आएगा ना, समझ रहे हो? तो मेरा आंसर क्या होगा, 20 by 120 into 100, ठीक है। तो कितना बन जाएगा ये, बोलो कितना बनेगा? 16.66% अराउंड। अब बात है कि सर आपने तुम्हें चकमा दे दिया, चकमा कब ना मिलता, ध्यान से समझो। अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन ये दे देता, देखो क्वेश्चन लिखो, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन ये दे रहा हूं कि इसी को क्वेश्चन, 20 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, तो अब क्या आंसर आएगा? अब आंसर आएगा 20। बोलो सब, सबको चमक गया। अब आंसर क्या आएगा? 20%। अब क्लियर है, चकमा से निकल गया, अब तो दिक्कत नहीं है। बोलो बोलो क्लियर है, ठीक है। अब आगे से ध्यान देना, मैं ऐसे छोटे छोटे तुम्हें ठीक है स्पीड ब्रेकर देता रहूंगा, देखने में कितना आसान लग रहा था, लेकिन 95% बच्चे बोल्ड हो गए इस पे। आगे बढ़े, नोट कर लिया सबने? सबने नोट कर लिया? बहुत बढ़िया, जल्दी करो बेटा नोट। अब बात है, अब मेन मुद्दा आता है, मेन मुद्दा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला तो बच्चा बच्चा लगा लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है अब जो मैं बताने जा रहा हूं। हाउ टू रीड बेटा, दोनों में ये क्वेश्चन में डिफरेंस है। एक मैंने बोल दिया 100 ग्राम सॉल्यूशन है, मतलब मैंने बता दिया ये सॉल्यूशन 100 ग्राम बन चुका है, लेकिन वहां पर मैंने बोला 100 ग्राम वाटर है, तो सॉल्यूशन का तो तुम्हें पता ही है ना, सॉल्यूशन तो बनता है किससे है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। इस केस में मैंने बता दिया 100 ग्राम जो सॉल्यूशन है उसमें 20 ग्राम NaCl है, समझ रहे हो? और उस क्वेश्चन में क्या था, 20 ग्राम NaCl अलग है और 100 ग्राम वाटर अलग है। इसमें मुझे बताओ इसमें वाटर कितना होगा फिर? वाटर इसमें वाटर कितना होगा? 80 होगा, समझ रहे हो? इसमें वाटर कितना रहा होगा? 80 ग्राम। अब बात है हमें इसको रीड कैसे करना है। एग्जाम्पल देखो, अगर मैंने लिख दिया 5% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या है? इसको रीड कैसे करेंगे? इसको रीड कैसे करेंगे? देखो इसको रीड ऐसे करेंगे कि मेरा 5 ग्राम सोल्यूट है इन 100 ग्राम सोल्यूशन, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो गया 5 ग्राम, वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम। तो मुझे बताओ वेट ऑफ सोल्वेंट कितना होगा, सोल्वेंट का वेट 95 ग्राम। बोला सब समझ गए? अब तुम मुझे बताना, अगर मैं बोल रहा हूं ठीक है 25% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या है? ये सारी चीजें बतानी है तुमने मुझे। इसका मतलब है 25 ग्राम सोल्यूट है इन 100 ग्राम सोल्यूशन, देयरफॉर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा?
75 ग्राम बोला था वो, क्लियर है सबको? क्लियर है फंडा? क्लियर है सब? ठीक है, कर लिया, बाकी कल करेंगे क्लास में स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन टर्म खत्म हो गई। ठीक है, अगली मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, सारों को हमने कवर करना है। ओके, चलो ठीक है, बाय बाय। हाँ बेटा सुन लो, अपनी मॉड्यूल वो जो डीपीपी दिया उसको सोल्व करके भेजना आज मुझे।